दुर्भाग्य है कि हम अगर सत्य पे नहीं चलेंगे तो गांधी का नाम लेना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। गांधी का नाम भी लो और राजनीति करने के लिए आप असत्य काम लो, ये उचित नहीं कहा जा सकता है। पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा पद जो है गरिमामय पद होता है, टिकट सम्मान हर देशवासी को करना पड़ता है। वो व्यक्ति के लिए कहे कि मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चाहिए कि वहाँ जो हिंसाएं हो रही है, मानव अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोके, तो ये जो स्थिति बन जाती है मुल्क के अंदर, जब लोकतंत्र खुद खतरे में आ जाता है, संविधान के प्रीम्बल में जो बातें लिखी हुई है उनकी धज्जियां उड़ रही है देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो जाबाज सिपाही अहिंसक क्रांति करने के लिए निकल पड़े हैं, जो हमारे गांधी जी के सानिध्य में शुरुआत हुई थी, हम बचपन में, मैं हूँ, चाहे वो कुमार प्रशांत जी हैं, नारायण भाई देसाई जी के जमाने में तरुण शांति सेना में थे, उस वक्त अहिंसा अहिंसक क्रांति की बात करते थे। आज वक्त है, समय की मांग है कि तमाम प्रदेश के अंदर जो माहौल आपने बनाया है उसके लिए तो मैं आप सबको साधुवाद देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि यही भावना आपकी और अधिक प्रगाढ़ हो और ये संदेश गांव गांव घर घर तक पहुँचे और लोग जुड़े और अलग से ये कारवां निकल पड़े, जब कभी जरूरत हो तब मालूम पड़े कि गांधीवादी विचारों के लोग, नई पीढ़ी के लोग सड़कों पर आए हैं अहिंसा की बात करने के लिए, युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए आप सत्य के मार्ग पर चले हैं, जिसकी आज आवश्यकता भी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो हालात बने हुए हैं उसमें मैंने महसूस किया है, एक के बाद एक हमने कई प्रयोग भी किए हैं, मैंने पूरे कार्यक्रम देखे हैं। दुर्भाग्य से मैं कई प्रोग्राम आ नहीं पाया हूँ अधिकांश प्रोग्राम के अंदर, जिसका मुझे इस बात का दुख भी रहता है। चुनाव का वर्ष भी है, वो भी एक कारण हो गया। फिर मेरे दोनों पैरों के अंगूठों के अंदर फ्रैक्चर हो गया है, अभी तक भी टाइम लगेगा इसको ठीक होने के अंदर, फ्रैक्चर हो जाता है वो अंगूठे के अंदर है, जिसका क्या महत्व आप समझ सकते हो। चलने में पहला पाँव जो है अंगूठे भी टिकता है, वहाँ फ्रैक्चर हो जाए, अभी 3-4 घंटे डॉक्टर देख के गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मुझे तकलीफ हो रही है। पर मुझे विश्वास है कि जो कारवा आपने प्रारंभ किया है अभी रुकने वाला नहीं, जिस प्रकार से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से गांधी दर्शन समिति के माध्यम से हमने 10 साल पहले शुरुआत करी थी, और वो मैं खुद उस वक्त तो 27 जिलों में गया था, तो मुझे विश्वास है कि अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं, अभी वो जुड़े हैं, अभी तक जुड़े हुए वो लोग हैं। एक बार गांधी जी के विचारों अपना लो आप, शायद आप लोग बैठे हुए हैं सबने गांधी जी का, और कुछ नहीं तो कम से कम गांधी जी का जो सत्य के प्रयोग हैं उनकी जीवनी के रूप में, वो आपने पढ़ी होगी या पढ़ लीजिएगा। मैंने कोई गांधी का बहुत बड़ा अध्ययन नहीं किया हुआ है, जितना कुमार प्रशांत जी ने किया होगा, मैंने तो खाली गांधी की जीवनी पढ़ी होगी, या गांधी मार्ग की किताब आती है, या गांधी जी का लिटरेचर छपता रहता था, तो नेमीचंद भाऊ जोधपुर के जो हमारे संचालक थे वहाँ गांधी केंद्र के, वहाँ बैठते थे, वो भेंट करते थे, हम 5-7 पेज पढ़ते थे। इस प्रकार ही मैंने गांधी को पहचाना है, तब भी मेरे दिल के अंदर वो भाव है। तो अगर गांधी जो अध्ययन कर चुका है देश में दुनिया के अंदर, वो अपना आप में आप सोच सकते हो कि कैसी कैसा व्यक्तित्व रखता होगा, क्या सोच सकता होगा। पर मैं सबसे अपील करता हूँ बच्चों से भी, कहीं जाता हूँ तो कम से कम, मैं अभी सीकर गया था, मेरा करीब लड़कियों से इंटरेक्शन हुआ था 500-600 लड़कियों से, और मैंने वहाँ अनाउंसमेंट किया भाई कम से कम आप गांधी जी का सत्य के प्रयोग पढ़े और मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको। मैंने वहाँ सबको, तमाम स्टूडेंट को जिनको वादा मैंने किया था, 500 थे, 700 थे, 1000 थे, उन सब के बारे में कलेक्टर के माध्यम से किताबें भेजी वहाँ पर पढ़ने के लिए। ये सोच करके ये पढ़ने वाले अगर 5 पेज में निकलेंगे तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। ये सैकड़ों लोगों ने
भाग लिया होगा 40 साल पहले जब हम लोग बचपन में जाते थे, 50 साल पहले। अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया मुख्यमंत्री के रूप में, तो आज हमने गांधी म्यूजियम बना दिया यहाँ पर, शांति वाहिनी का प्रकोष्ठ बना दिया, विभाग बना दिया। तो अगर एक व्यक्ति में निकलता है तो आप सोच सकते हो कि वो क्या भूमिका अदा कर सकता है गांधी जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, आप तो बहुत बड़े, आप में समझ तो मैं आपको बहुत बड़ी पूंजी मानता हूँ राजस्थान की, और राजस्थान में माहौल और बढ़ेगा। मैंने कभी देखा नहीं है कम समय में संगठन को इस रूप में खड़ा करना। मैं जितनी तारीफ करूँ मनीष शर्मा की कम है। मनीष शर्मा को आप सबने कॉपरेट किया है, कुमार प्रशांत जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कुमार प्रशांत बार बार लगातार जैसे उन्होंने अपना दूसरा घर बना दिया राजस्थान का, जैसे एसएन सुब्बाराव जी ने बनाया था, उसी रूप में कुमार प्रशांत जी राजस्थान में लगातार आ रहे हैं। गांधी म्यूजियम भी उनकी देखरेख में बन रहा है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह ही जो निर्माण हो रहा है, नए भवन का भी हो रहा है। बीएम शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनके डायरेक्टर और साथी बैठे हुए हैं, सतीश राय जी बैठे हुए हैं, तमाम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, ये स्वच्छता आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर साबित होगी राजस्थान विकास के लिए। और गांधी के संदेश को जितने भी हमारे देश दुनिया के टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, तो आप समझ सकते हो कि ये गांधी म्यूजियम बन रहा है, इतना शानदार बन रहा है। और शानदार इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें भूमिका कुमार प्रशांत की है, और दुनिया देश के अंदर ऐसा म्यूजियम कहीं नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा हुए होंगे कई जगह पर, जलगांव में भी मैं देख के आया था। जो म्यूजियम यहाँ बन रहा है मैं समझता हूँ शायद ही कहीं पर देश में होगा। आप सोच सकते हो कि एक्टिविटी करने में सरकार पीछे नहीं है। नरेश ठकराल जी जैसे इनको सेक्रेटरी मिल गए और वो भी पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रहे हैं विभाग के अंदर, उसके कारण से मैं समझता हूँ कि आज एक नया माहौल बन रहा है देश के अंदर। यदि खुशबू धीरे धीरे फैलेगी, पूरी देश के अंदर फैलेगी, राजस्थान प्रदेश के अंदर किस रूप में प्रदेशवासी गांधीमय हुए हैं, अधिकांश युवा साथी युवाओं को जो भावना है गांधी जी के प्रति वो पैदा हुई है। वो जो गांधी जी का चाहे जीवनी की बात करें चाहे उनके संदेश की बात करें, वो मजबूत हुआ है, पूरे देश के अंदर काम आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा शानदार म्यूजियम बन रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब राहुल जी ने 4 पॉइंट रखे थे और जगह जगह उनका स्वागत हुआ था, कश्मीर तक में भी उनका खुले मन से स्वागत किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने पूरी यात्रा में गांधी के संदेश को संदेश दिया जो था अहिंसा का संदेश था। जब वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, तो आप सोच सकते हैं जिस रूप में उन्होंने कहा, महंगाई मुद्दा देश के अंदर है, बेरोजगारी का मुद्दा देश में है, देश में प्रेम मोहब्बत भाईचारा रहे, सद्भावना रहे आपस के अंदर, जो मूल भावनाएं संविधान की भी गांधी जी की भी सर्वधर्म संभाव की वो मजबूत हो, उसी से मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा आने वाले सदियों तक। ये जिस प्रकार की राजनीति चल रही धर्म के नाम पर, ये मुल्क को एक नहीं रख सकती है। ये धर्म के नाम पर लोगों को भड़का सकते हैं और कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए लोग बुलाव आ सकते हैं। रशिया का उदाहरण हमारे सामने है। रशिया के अंदर भी जो हमारा एक ऐसा मित्र राष्ट्र था, बांग्लादेश के युद्ध के वक्त में साथ हमारा दिया उसने, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो रशिया दुनिया की ताकत थी अमेरिका के बराबर की, आज वह 15-16 टुकड़े हो गए उस राज्य के, देश के 16 राज्य बन गए वहाँ पर। आप सोचिएगा हमारा मुल्क 70-75 साल के बाद में भी आज एक एकजुट है, एक है, अखंड है। क्यों है? क्योंकि गांधी जी का जो संदेश है, उनकी भावना जो छिपी हुई है संविधान के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उस संविधान का आधार बना करके देश चला है आज तक सर्वधर्म संभाव के आधार पर।
इसलिए चुनौतियां आई हमारे सामने कई बार, पर फिर भी हम एक रहे, अखंड रहे। दुनिया के अंदर आर्मी नाम लोकतंत्र का है तो देश का हमारा है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा एक मीटिंग के अंदर कि मोदी जी आप जाते हो दुनिया के मुल्कों में, आपका सम्मान क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोग कहते हैं कि आप गांधी के देश से आए हैं। आप उस देश से आए जहाँ लोकतंत्र मजबूत रहा है 70 साल के बावजूद भी, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो आप सोच सकते हो कि गांधी तो गांधी है, और गांधी जी का जो विचार है वो एक खजाना है देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए। आज हम लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से अगर रहेंगे देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि समाज के हित में भी है, देश के हित के अंदर भी। इतने में कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत ही कामयाब रही थी, और चारों मुद्दे उनके मुझे बहुत पसंद है। महंगाई मुद्दा है देश के अंदर, मानना चाहिए। हमने उसके लिए आप देखते बजट पेश जो मैंने किया था, वो भारत जोड़ो यात्रा की जो थीम थी, महंगाई की, बेरोजगारी की, प्यार मोहब्बत भाईचारे की, अहिंसा की, और गरीब अमीर की बिना खाई नहीं बननी चाहिए, गरीब की स्थिति क्या होती है हम जान सकते हैं, वही मेरे बजट की थीम है। इतने महंगाई विरोधी कैंप लगा रहे हैं यहाँ पर, महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में हम लोग राहत दे रहे हैं लोगों को महंगाई कम करने के लिए। 3 लाख के लगभग नौकरी लगा रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी में। हम लोग बहुत बड़ा आह्वान करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लाते भी इन्वेस्टमेंट है, नौकरी लग भी रही है, और 100 कैंप लग रहे हैं राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, 100 कैंप लग रहे हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनी आती है और ऑन द स्पॉट सिलेक्शन करती है, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और ये आप लोग बैठे हुए हो, तीसरा मुद्दा था प्यार मोहब्बत भाईचारे का, राहुल जी का, उसमें तो आप ध्वजवाहक बन गए हो, ध्वजवाहक के रूप में आप हो। आप मैं आप जो बैठे हुए मेरे सामने, उनको मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आप आए हो, कई लोग नहीं आ पाए होंगे, उनको मेरा संदेश है, ये अभियान जो चालू किया है ये कोई मामूली अभियान नहीं है, ये इतिहास रचने वाला अभियान है राजस्थान का। कृपा करके आप आगे बढ़ते जाओ, इंतजार मत करो कोई आपको निर्देश देगा, आदेश देगा, सलाह देगा, आप अपने आप में स्वस्थ बनते जा रहे हो। जब आपको मार्गदर्शक मिल जाए, प्रशांत कुमार प्रशांत जैसा व्यक्ति, और भी कई लोग बैठे होंगे, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, सब लोगों ने मिलकर जो माहौल बनाया है, मुझे गर्व है कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, जहाँ पर गांधीवादी घर घर में गांधीवाद की भावना पहुँच रही है, पहुँचाने वाले आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हो। मेरे पास सबने किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ, क्योंकि मैंने सोचा था गांधी का और अहिंसा का, सत्य का, अहिंसा का, शांति में अहिंसा का विभाग बनाऊं, पर मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने कम समय के अंदर कमाल कर दोगे। ये कमाल है, आपका कमाल है, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, खाली हकीकत बता रहा हूँ। इतने कम समय में आप ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैंप लगा रहे हो, ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हो, लगातार स्टेट लेवल पर मीटिंगें कर रहे हो, और जिस रूप में आगे बढ़ रहे हो, मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आंदोलन आपने शुरू किया अहिंसा का, ये बहुत ही, और आगे आने वाले वक्त में जो आपने प्रोग्राम मुझे दिए हैं वो भी अत्यधिक प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें सफलता मिलेगी, और यही बात कहता हुआ मैं आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। जो हमने अभी एक्ट बनाया है असेंबली के अंदर गांधी वाटिका को लेके, जयपुर अहिंसा विभाग ने, शांति अहिंसा विभाग ने गांधी वाटिका ट्रस्ट जयपुर अधिनियम 2023 अभी जो पास किया है राज्य विधानसभा के अंदर, वो भी तैयार बन गया है देश के अंदर। मेरी गांधी देश में किसी राज्य में कोई ऐसा एक्ट नहीं बना होगा, यह बना है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी उड़ान किस रूप में है, क्या हमारी सोच है, वो सतही देश के इंटेलेक्चुअल, साहित्यकार, पत्रकार और आम जनता समझ जाएगी कि राजस्थान सरकार ने आज के जो स्थिति बन गई देश के अंदर, उस वक्त में जो महात्मा गांधी को लेके जो बीड़ा उठाया, दुर्लभ पुस्तकें आएगी, यहाँ पर साहित्य होगा, फोटोग्राफी होगी, फिल्में बनेगी,
संग्रहालय के अंदर और वाचनालय पुस्तकालय होगा, शानदार आपका म्यूजियम बन रहा है। मैं समझता हूँ कि एक राजस्थान प्रदेश सरकार ने जो काम आप में लिया है उसको आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।